अवार्ड आपको कहाँ मिला? ये अभी साउथ एशियन जी तमिलनाडु चैंपियनशिप हुई थी ओपन श्रीलंका कंडी शहर में, वहाँ मेरे को गोल्ड मेडल मिला है। मैंने भारत की तरफ से ओपन इंटरनेशनल जो हुआ था उसमें भाग लिया था 71-75 वेट कैटेगरी में, उसमें मेरे को गोल्ड मेडल मिला। तो ये किस इवेंट के थ्रू मिला, मतलब आप कौन सा स्पोर्ट्स प्ले करते हैं? जी मैं जो स्पोर्ट्स प्ले करता हूँ उसका नाम है जीत कुनेडो मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट का एक प्रकार है, और इससे पहले दिल्ली में अपने त्यागराज स्टेडियम में एक प्रतियोगिता नेशनल लेवल ऑल इंडिया जीत कुनेडो मार्शल आर्ट चैंपियनशिप हुई थी, उसमें मेरा गोल्ड मेडल लगा था, वहीं से मेरा सिलेक्शन हुआ था और फिर मैं साउथ एशियन जीत कुनेडो चैंपियनशिप खेल लेंगे। अच्छा, तो इसकी ट्रेनिंग आपने कहाँ से शुरू करी, स्टार्टिंग आपकी? मेरी स्टार्टिंग जब मैं 9th से 12th बोर्डिंग शारदा विहार में था, तब मैंने वहाँ से स्टार्ट किया है मार्शल आर्ट खेलना। और अभी तो फिलहाल मैं कोई भी ट्रेनर नहीं है, ना मैं कोई एकेडमी जाता हूँ, और बस जो मैंने सीखा था वहाँ 4 सालों में विद्या भारती की साइड से भी मैं खेला हूँ। जब मैं 11th में था शायद समथिंग 13-14 या 14-15 में, जो SJFI स्कूल गेम्स फेडरेशन का नेशनल होता है उसमें मैंने विद्या भारती की साइड से खेला था, और वहाँ मैंने -59 kg में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी को हरा कर अपना मतलब 3rd place ली थी, ब्रॉन्ज मेडल मेरे को वहाँ मिला था। फिर उसके बाद 12th में जब मैं था तो प्रांत क्षेत्र अखिल भारती होता है विद्या भारती में, तो मैं अखिल भारती में हार गया था तो नेशनल नहीं जा पाया। मैंने दूसरा खेल फुटबॉल सेलेक्ट किया, उसमें मैं राजनांदगांव में वही SJFI स्कूल गेम्स का नेशनल हुआ था, वहाँ मैंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। तो वहीं विद्या भारती शारदा विहार भोपाल के एक स्कूल से शुरुआत हुई इन सब चीज़ों की। फिर अभी फ़िलहाल मैं सागरमल जी गुप्ता जो कि ऑल इंडिया जीत कुनेडो मार्शल आर्ट के ऑर्गेनाइज़र सेक्रेटरी और ट्रेजर आ रहे हैं, वो अभी मेरे कोच हैं, तो वो एक अच्छा माध्यम है मेरे लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए। बाकी पिताजी जो हैं वो इन सफलताओं की जड़ हैं, बाकी माध्यम कई रहे हैं, जैसे मैंने बताया मेरे कोच भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, बेस्ट फ्रेंड भी हैं, सब लोग हैं। अच्छा, तो जैसे आप श्रीलंका गए थे तो वहाँ आपके मैच थे वो किस किस देश के प्लेयर से हुए? पहला पाकिस्तान से था और फाइनल श्रीलंका से, सिर्फ 2 मैच हुए थे मेरे। अच्छा, तो ये कितने किलोग्राम कैटेगरी आती? ये 71-75, इसमें 5-5 किलो के जो मतलब अंतर से जो वेट कैटेगरी रहती है उसके हिसाब से मैं 71-75 वेट कैटेगरी में था। अच्छा, अब आपका अगला टारगेट क्या है? अब थाईलैंड में एशिया कप होने वाला है, उसके लिए सिलेक्शन है, लेकिन हो भी गया है, और एशिया कप है थाईलैंड में तो उसके लिए जाना है, लेकिन वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, तो इसके कारण कोई गवर्नमेंट या विधायक निधि से कोई मदद भी नहीं मिली, तो अब देखते हैं जैसा भी हो। अच्छा, तो अभी तक जो आपकी शुरुआती ट्रेनिंग हुई है और इसके साथ साथ जो अभी आपका श्रीलंका जाने का खर्चा है वो भी मतलब आप ही ने किया है। हाँ, तो आप सरकार से चाहते हैं कि कुछ सहायता राशि या प्रोत्साहन राशि आपको मिले ताकि आप आगे जाकर और मेडल जीत सके देश? हाँ जी जी, बिल्कुल चाहता हूँ, क्योंकि आप दूसरे स्टेटों में देखें दिल्ली हरियाणा पंजाब, इनमें तो छोटे छोटे कॉम्पिटिशन में काफ़ी सहायता मिलती है, और यहाँ सबसे पहली बात तो जो कि गाँव के सरपंच को भी उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा है मेरे हिसाब से, तो वरना देखो अभी भी नहीं है, आप देख सकते हैं कैमरा घुमा सकते हैं, और बस मदद तो कहीं से कहीं तक नहीं मिली है, न विधायक निधि से मिली। आप एक छोटे से गांव से उठकर गए हैं श्रीलंका जैसे देश में, जहां आपने हरदा सहित देश को भी रिप्रेजेंट किया है। हाँ, वहां आप हरदा के लिए एक बड़े गौरव की बात है कि आप हमारे लिए एक गोल्ड मेडल लेके आए। हाँ, पर आपकी शुरुआत कैसे हुई है और क्या क्या कठिनाइयाँ आपको सामने करना पड़ी? कठिनाइयाँ तो काफ़ी थी, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी था, क्योंकि विद्या भारती जो स्कूल थी मेरी, स्कूल शारदा विहार, वहाँ से मैंने 2 नेशनल खेले थे, तो कॉन्फिडेंस था थोड़ा सा। और अभी सर भी थे सागरमल जी गुप्ता, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया है, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही है क्योंकि यह ओपन नेशनल था, तो इसमें पूरा खर्चा मेरे पिताजी ने उठाया है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रही हैं और बाकी समस्याएँ भी रहती हैं, तो बाकी। अच्छा, जैसे अब आप अगले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ का खर्चा भी आपको ही करना पड़ेगा या फिर आप गवर्नमेंट के थ्रू आपको कुछ हेल्प मिलेगी? नहीं, वो अपने ऊपर, यदि गवर्नमेंट अपन एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए सिलेक्शन होते हैं साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो कि भोपाल में है, उसमें सिलेक्शन होने के बाद आपको पूरा, जहाँ तक वो गवर्नमेंट है तो पूरा फ्री रहता है, अच्छी फैसिलिटी भी मिलती हैं, और यदि आप प्राइवेट कोई सी अच्छी एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो तो स्कूल की फीस टाइप हुआ, यदि आप कोई मदद आपकी करना चाहे तो हो भी सकती है, नहीं तो अपने को ही पूरा पे करना पड़ता है। जैसे आपका ये स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग है
तो आप हरदा ज़िले के और जो युवा हैं जो इस फील्ड में आ सकते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि स्पोर्ट्स से आपको देखिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले तो यदि आप मार्शल आर्ट खेलते हैं तो सेल्फ डिफेंस आप खुद का कर सकते हैं, और चूंकि सेल्फ डिफेंस तो बहुत ज़रूरी है, आप सेल्फ डिफेंस के लिए अलग से कहीं जाके कोचिंग में पे करेंगे फिर सीखेंगे। यदि आप मार्शल आर्ट खेलते हैं तो सेल्फ डिफेंस खुद कर सकते हैं अपना, और आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है, कई स्कोप भी हैं स्पोर्ट्स में, हर जगह आपको मदद मिलती है, कहीं कंपटीशन एग्ज़ाम में भी कुछ अंकों से आपको मदद मिल जाती है, वहाँ फ़ायदा है मार्शल आर्ट, या मैं मार्शल आर्ट का नहीं कह रहा लेकिन स्पोर्ट्स में फ़ायदा होता है। अच्छा, जैसे अपने देश में क्या होता है कि जो ग्राउंड लेवल पर जो अंडर ट्रेनिंग होती है उसमें कोई व्यक्ति ध्यान नहीं देता, लेकिन जब कोई मेडल जीत के आता है तो उसको सब अपने सराखों पर उठा लेते हैं। हाँ। लेकिन जहाँ अब तक अभी नज़र जा रही है कि आपको आए हुए 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई बड़ा नेता आपसे मिलने नहीं आया, तो हरदा के जो नेता हैं नेता लोग हैं इनके जरिए आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? इनके अपील यही करूँगा कि प्रोत्साहन जरूरी है पहले तो खिलाड़ी को, तभी ये सब हो पाता है, और प्रोत्साहन सिर्फ मेरे को मेरे पिताजी करते हैं और परिवार मोहल्ले के कुछ लोग हैं ये करते हैं। हाँ, मैं चूँकि इस चीज़ को मानता हूँ, ओपन चैम्पियनशिप थी लेकिन फिर भी कंपटीशन तो कंपटीशन होता है, टफ होता है, और वही मैं कहना चाहूँगा कि प्रोत्साहन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और अभी तक कोई भी ऐसा मतलब नहीं आया है जो मेरे को प्रोत्साहन कर सके, बस पिताजी और ये मोहल्ले अंकल जो हैं इन्होंने ही प्रोत्साहन दिया है मेरे को। तो ये आप जैसे श्रीलंका गए थे तो यहाँ से लेके श्रीलंका तक का खर्चा आपका हुआ, तो आपको कितना कुछ खर्चा हो चुका है इस इवेंट को जीतने तक? अभी तक समथिंग 1.25 लाख तक का हो चुका है, वो पूरा पिताजी ने पे किया है।